तो दोस्तों ये है एक एमआई का स्मार्ट स्पीकर जो कि आपके वाईफाई या राउटर से ही कनेक्ट होता है और उसको हम लोग बोल के फिर कुछ भी चीजें कर सकते हैं, जैसे गाना भी प्ले करना है या फिर कोई डिवाइस कनेक्ट करना है तो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। पर हर शख्स के पास इंटरनेट तो होता नहीं है, तो हर बार अगर इंटरनेट नहीं होता है तो कभी कभार हमको इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना पड़ता है और बजाना पड़ता है। पर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि यहाँ पे इसको हम लोग ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसको हम लोग ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करें और कैसे हम लोग इसको यूज करें एज अ ब्लूटूथ स्पीकर। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले तो इसको चालू कर देना है और वाईफाई से और आपके कोई भी वाईफाई से या राउटर से कनेक्ट कर देना है। तो फिर हम लोग जाएंगे, आपको गूगल होम की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे गूगल होम को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल होम में जैसे हम लोग जाएंगे यहाँ पे जो है आपका हॉल स्पीकर आ जाता है, मतलब ये जो भी हमारा डिवाइस है एमआई का स्पीकर, इसको हमने हॉल स्पीकर नाम दिया है। अब इसमें जैसे हम लोग जाएंगे सेटिंग में, तो यहाँ पे ट्रेबल बेस का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग में आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पेयर ब्लूटूथ डिवाइस, तो पेयर ब्लूटूथ डिवाइस में आपको जाके ये यहाँ पे इनेबल पेयरिंग मोड आता है, इसको इनेबल कर दो। तो पेयरिंग मोड में ये चला गया, ये अब ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में चला गया। अब आप लोग कर सकते हैं अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आप लोग जाए पेयर न्यू डिवाइस में, और अवेलेबल डिवाइस में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हॉल स्पीकर करके आ रहा है, ठीक है। इसको क्लिक कर दीजिए और पेयर कर दीजिए इसके साथ। अब ठीक है, यहाँ पे अलाउ एक्सेस कॉन्टेक्ट एंड हिस्ट्री करके लिख रहा है और पेयर करने को बोल रहा है। अब यहाँ पे पेयर हो गया, उसमें लिख के आ रहा है पेयर करके, आप मतलब यहाँ पे पेयर करके लिख के आ गया और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स भी दिया है कि ये कनेक्ट हो गया करके। अब ठीक है, यहाँ पे जैसे ये हॉल स्पीकर अपने ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्ट हो गया है, अब हम लोग जो भी अपने मोबाइल पे जैसे गाना लगाते हैं, अब आप लोग देख पा रहे होंगे जो मेरे मोबाइल पे गाना बज रहा है वही इसमें बज रहा है। जैसे मैं इसको बंद भी कर देता हूँ तो भी, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको वाईफाई भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये अपने वाईफाई से कनेक्ट नहीं है अभी, सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो भी आप लोग देख पा रहे होंगे मतलब इसको हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी बजा सकते हैं, मतलब बिना वाईफाई के, ठीक है। तो अब तक आपको लग रहा होगा कि इसको हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करके ही बजा पाएंगे या स्मार्ट डिवाइस की तरह ही यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, इसको हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे कुछ अलग से वीडियोस लाने के लिए।